हे वेलकम बैक टू माई चैनल आंचल आर्ट कलेक्शंस। तो चलो आज हम लोग DIY राखी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया, जिसमें मैंने एक सर्कल को मार्क कर लिया। उसके बाद मैं उसकी कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो हमारी कटिंग अब रेडी है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल काट लिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स और कुछ बिंदी यूज़ करूँगी, जिससे मैं एक बहुत ही सुंदर सा राखी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे बिंदी एंडिंग पे स्टिक करना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको इससे फुल कवर नहीं करना है, आपको इससे सिर्फ हाफ कवर करना है बिंदी से। आपके पास बिंदी नहीं है तो आप स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम इसका सेकेंड लेयर स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हमारी बिंदी का सेकेंड लेयर लग रहा है, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। मैं यहाँ पे रेड बिंदी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर रेड बिंदी नहीं है तो आप दूसरे कलर की भी बिंदी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा सेकेंड लेयर अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पे बीच में एक मिरर स्टोन लगाऊंगी। अगर आपके पास मिरर स्टोन नहीं है तो आप दूसरा स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। सो मिरर स्टोन से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक ही स्टिक किया। चलो अब हम लोग यहाँ पे गोल्डन स्टोन्स लगाना स्टार्ट करते हैं और भी अपनी राखी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे मिरर के साइड्स में यहाँ पे स्टोन्स को स्टिक कर रही हूँ। सो हमारा राखी अब रेडी है। अब चलो हम लोग इसको स्टिक करते हैं थ्रेड में। तो मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का थ्रेड लिया है। हम लोग थ्रेड को एक सर्कल कार्डबोर्ड शीट के ऊपर स्टिक करेंगे। कार्डबोर्ड पे थ्रेड स्टिक करने के बाद उसके बाद हम लोग स्टिक करना स्टार्ट करेंगे, जो हमने राखी रेडी की है। एज यू कैन सी मैंने कैसे स्टिक किया है। चलो अब राखी में डिटेलिंग्स ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थ्रेड पे वही सेम गोल्डन स्टोन्स स्टिक करूँगी। तो हमारा राखी बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप यू लाइक इट। एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये राखी जितनी दिखने में सुंदर है, उससे भी ज़्यादा इजी इसको बनाने में। तो लेट्स डू वन ट्राई गाइस। सो आई होप यू लाइक इट। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।